टॉपिक पढ़ेंगे यम रिपोजिटरी बनाना या हम बोले तो यम सर्वर कॉन्फ़िगर करना। तो ये हमारा लिनक्स टर्मिनल है, अभी मैं इसमें लॉगिन करता हूँ रूट से। पासवर्ड मैंने दिया। तो फर्स्टली हमें बनाने के लिए यम सर्वर बनाने के लिए हमें कंप्लीट यूएसबी ड्राइव चाहिए होती है या कोई भी मीडिया ड्राइव, जिससे कि हम ISCL का सेटअप को हम उसमें कॉपी कर सकें। मेरे पास मैंने एक पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया इसमें। ये पेन ड्राइव जो है मीडिया है मेरे पास, जो कि इसके अंदर सारे हमारे हार्ड डिस्क जो भी सेटअप फाइल है वो कॉन्फ़िगर्ड है, इसके अंदर फॉर्मेटेड है। मैं फर्स्टली टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले एक हमें डायरेक्टरी बनानी होती है, किसी भी नाम से, जिस नाम से आप उसे कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रखी है यम करके, यम नाम की एक डायरेक्टरी मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इस डायरेक्टरी को, यम डायरेक्टरी बनाने के बाद इसे हम chmod से 777 फुल परमिशन इस पार्टिकुलर फाइल को देंगे। फुल परमिशन इस पार्टिकुलर फाइल को देने के बाद हम जो ये पेन ड्राइव में जो हमारा सेटअप है, जो मीर सेटअप मीडिया है, उससे पूरा डेटा हम इस यम रिपोजिटरी यम डायरेक्टरी में कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए हम कमांड का जो यूज़ करेंगे cp --rvf/dev/sr0। इसके बाद जो उस पार्टिकुलर मीडिया का पाथ होगा वो पाथ हम देंगे। पाथ जो है इसका रन मीडिया रूट rhel7-g4। इसके बाद स्टार हम इसलिए दे रहे हैं कि उसके अंदर जितने भी डेटा हैं, जितने भी उस पार्टिकुलर फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट हैं, वो सारे के सारे कॉपी हो जाएं। उसके बाद हम यम देंगे, यम क्योंकि उस पार्टिकुलर डायरेक्टरी में हमें कॉपी करना है। तो मैं इस कमांड को अभी रन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको कॉपी कर चुका हूँ। तो ये कमांड चलाने के बाद वो सारे डेटा फाइल कॉपी होंगी। कॉपी होने के बाद हमें जो नेक्स्ट कमांड है वो हमें जो रन करनी है, सबसे पहले हमें जाना है /etc/yum.repos.d। इसके अंदर आने के बाद देखिए ls करते हैं हम, पहले से यहाँ पे redhat.repo जो कि ऑटो क्रिएटेड होता है, ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, हमें एक नई फाइल बनानी होगी, नए repos फाइल बनानी होगी। तो मैंने यहाँ पे celeste.repo ऑलरेडी बना रखा है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे अब उस पर्टिकुलर फाइल में हमें क्या क्या लिखना है, कि किस प्रकार के कंटेंट्स लिखने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको रीड करने के लिए मैं कैट का यूज़ कर रहा हूँ और celeste.repo। अब देखिए इस पर्टिकुलर फाइल में हमें जो मेन एंट्री करनी है वो सर्वर नेम, नेम इज इक्वल टू जो उस पर्टिकुलर फाइल का नाम आपने रखा है वो पर्टिकुलर फाइल नेम, देन बेस URL। बेस URL में हमें वो डायरेक्टरी, वो पाथ देना है जहाँ पे हमने जो सेटअप फाइल है लिनक्स की, जो सेटअप फाइल है उसको हमने कॉपी कर रखा है। तो मैंने यम डायरेक्टरी के अंदर उसको कॉपी कर रखा है, तो फाइल :\n/yum। उसके बाद gpg चेक इक्वल टू हमने 0 कर दिया है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप पॉलिसी जो हो वो चेक हो तो इसे 1 कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं ग्रुप पॉलिसी चेक ना हो, ग्रुप पॉलिसी को ये बाईपास करें, तो इसे आप 0 कर सकते हैं। तो मैंने अभी बाईपास करने के लिए उसको 0 कर रखा है। ये चीज़ें करने के बाद हम फिर से इसकी होम, रूट की होम डायरेक्टरी में आते हैं। रूट की होम डायरेक्टरी में आने के बाद हम
जो नेक्स्ट कमांड होगा हमारे पास यम क्लीन ऑल। यम क्लीन ऑल करेंगे तो ये जो हमारे यम क्लीन ऑल कमांड को रन करेंगे उसी के साथ ही जो यम रिपोजिटरी है वो पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगी। इस यम रिपोजिटरी को रिफ्रेश करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड होगा वो है यम रेपो लिस्ट ऑल, यम रेपो लिस्ट रेपोलिस्ट ऑल। यम रेपोलिस्ट ऑल करने के साथ जितनी भी रेपोजिटरी उस पर्टिकुलर टर्मिनल पे बनी होगी वो सारी की सारी आपको शो हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम एक यम रेपोजिटरी, एक बेसिक यम रेपोजिटरी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टर्मिनल के अंदर, उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, देन आप यम इंस्टॉल और उस पर्टिकुलर पैकेज का नाम टाइप कीजिए। जैसे कि चलिए मैं कोई भी एक टर्मिनल लेता हूँ, सांबा, ठीक है, मैं सांबा इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैंने प्रेस किया, अभी सांबा के सारे पैकेजेस, सांबा सर्वर बनाने के लिए मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया, सांबा के सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यम रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई पैकेज आपने इंस्टॉल किया है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे आपको कमांड्स मेंशन कर दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आपको कोई भी टेक्निकल वीडियो चाहिए, टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे कमेंट करें, वहां से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हम विद इन अ प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई टेक्निकल कंटेंट चाहिए, ये हमारे वीडियोस यूट्यूब चैनल के साथ साथ मेरे ब्लॉग पे भी उपलब्ध हैं, जो है कि डार्क वेब ओएसआई, जिसका यूआरएल है www.eco.co.live। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए, टेक्निकल ब्लॉग चाहिए, आप वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। थैंक यू।